चमर टोली वाला माल सुपर हिट लगेला। अब जरा सोचिए, चमर टोली वाला माल सुपर हिट लगेला, ये कौन सा गाना है भाई और क्या गाना गाया गया था? आटा के लोई अहिरान टोई। आटा के लोई अहिरान टोई। मतलब आपने विरोध किया कि इस टोला में ये गाना मत बताइए। हाँ। तो इसीलिए जो है आपका दुपट्टा छीनकर भाग गए। हाँ। हाँ। के दरवाजा पा के बजाओ ले भलो। हाँ? छुआ बार हो गई, बार बार ढूक के मारे न सा घर में से घिच खींच के। हाँ? उसको दहले सकी जे चमटोली से मार हो गई बया लोगों लाठी भाल। चमटोली के माल सुपर हिट लगे। जब आप लोगों ने सुना तो अच्छा लगा आपको? अच्छा ना लगल तबे नहीं भइल भाई। बिहार की जनता को पहले नेताओं ने जातिवाद में बांटा, अब कुछ कलाकार यानी भोजपुरी के सिंगर जो हैं, ब्यास लोग जो हैं, वो अब जनता को जातिवाद में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। और यही कारण है कि आए दिन जातिवादी सिंगर जाति पर गाना गाते हैं, ई टोई लोई पोई सब देश भर का गाना गाते हैं। और यही कारण है कि यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर पूरा रणभूमि बन गया, यानी गाना बजाया गया कि आटा के लोई के टोई, आगे डॉट डॉट और तमाम गाने बजे, और दो पक्षों में यहां भरपूर मार हुई। किसी का कपार फूट गया तो किसी का हाथ टूट गया, किसी का सर फट गया तो किसी को गहरी सी चोटें आई हैं। आप यहां पर दो पक्षों में भिड़ंत हुई सिर्फ और सिर्फ गाना को लेकर। यह बताइए कौन सा गाना बजाया गया था जिसकी वजह से आप लोगों को बुरा लगा था? चमर टोली वाला माल सुपर हिट लगेला। अब जरा सोचिए, चमर टोली वाला माल सुपर हिट लगेला, ये कौन सा गाना है भाई, जरा बताइए ना हमको। और क्या आप अपनी जिसने गाया है उसके उसकी बहन बेटी ऐसा गाना सुन सकती है क्या? और क्या लड़कियां माल हो गई क्या और वो सुपर हिट लगने के लिए होती है क्या? ये दुर्भाग्य है बिहार का कि कुछ रोड छाप कलाकार इस तरीके का गाना गाते हैं और उनके गाने पर कपार फूटने लग गए हैं। और क्या गाना गाया गया था? आटा के लोई अहिरान टोई। आटा के लोई अहिरान टोई। अच्छा ये बताइए, अहिर यही काम करते हैं क्या यादव लोग? यही काम करते लो तबे नू। हाँ? जरा सोचिए, कुछ रोड छाप लोग जो हैं वो अपने जात को भी बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस इतना समझिए कि इस तरीके का गाना गाकर वो अपने जात को भी बर्बाद कर रहे हैं। और यही कारण है कि गाना बजा कर, गाना क्यों बजाया जा रहा? तो कोई त्योहार था, कोई शादी था, क्या था? ना कुछ नहीं था। भसान के दो दिन के बाद बिना मूर्ति के डीजे बजा के आवत रह, ये गाना बजावत रह रास्ता पे घर बाबे। कौन सा गाना? ये गाना कि अहिरान अटक लो अहिरान टोई। हाँ। जब मोने को वे लोग गाना मत, कौन लोग बजा रहे थे ये? अहिर लोग। हाँ। और क्यों बजा रहे थे? ऐसा ही द्वार पर जाके तो बोलवे लोग, ये लोग मोने को वे लोग की गाना मत बजावा लोग, इन दोसर बजा के तो बजा लोग ना तो जा लोग, आ तो ना हमने की इहे बजाएं से जब बजी तो इहे बाजी। हाँ। जब मोने को वे लोग बस हाथ बही कह के अब सब बात बोलवे लो। हाँ। रुका जो की को वे लो दुपट्टा पट्टा छीन छन को वे लो, जब तक ले लोग के भाई देख लो वे लो दौड़ पड़ो लेके दुपट्टा भी छीन ले। हां उल मोने कर वालों की भाई ऐसे किसका दुपट्टा छीने थे? ए लड़की का। आपका दुपट्टा छीन किसका? इधर आइए, आपका दुपट्टा छीने? सर हमारा तो दुपट्टा नहीं छीना, लेकिन इनका छीना है। इनका छीना गया था? आपका छीना था? जी सर। क्यों छीना गया था कुछ पता है? गाना मने कहीं बजाओ तो हुए लो तो वही के। मतलब आपने विरोध किया कि इस टोला में ये गाना मत बताइए। हाँ। तो इसीलिए जो है आपका दुपट्टा छीनकर भाग गए। हाँ। जरा सोचिए, ये किसी की बहन बेटियां और आपके भी घर में बहन बेटियां होंगी, बहन बेटियों का जब आप कदर नहीं कर सकते, इज्जत नहीं कर सकते हैं, तो उनकी मर्यादा का ध्यान आप कहां से रखिएगा? और यही कारण है कि गाने को लेकर यहां पर विरोध हुआ है। किस लिए विरोध हुआ? गाना के चलते। कौन सा गाना? चमटोली के माल सुपर हिट लगेली सर। जब आप लोगों ने सुना तो अच्छा लगा आपको? अच्छा ना लगल तबे नहीं भइल भाई। हाँ, आप लोगों ने विरोध किया। हाँ। क्या बोलकर? इधर आइए थोड़ा सा। कि गाना ही ना बजे के चाहिए। तब क्या किए वो लोग? वो लोग कहता लोग ये बाजी। हाँ। जब बाजी तब ये बाजी, दोसर बजबे ना करी। आप लोग भी गए थे उनके दरवाजे पर गाना बजाने क्या? ना वो हमनी के दरवाजा पा के बजाओ ले भलो। इधर आके ही बजाए थे? हाँ। तो शादी भी आता क्या यहाँ? ना ऐसा ही, ऐसे ऐसा बिना मन का। हाँ। तो डीजे बुक किए थे, उनके घर का डीजे था? हाँ, घरे के हके का हके अभी नहीं खींचे जाए, घरे के डीजे। हाँ, घरे के ट्रैक्टर बा, घर ही के डीजे। आप लोगों को सुनाने के लिए? हाँ, सुना चिड़ावे खातिर हमनी के आई रहलन सर। कोई विवाद था आपका क्या? ना यही तरिया के रोक गए सर।
लेके छुआ बार हो गई बार बार ढूक के मारे न सा घर में से घिच खींच के भाषा ना वेला तब ऐसे ही कर जब शादी ब्याह लोग पड़ी तब ऐसे ही कर लू। मैंने कहा था सरस्वती पूजा में कुछ सरस्वती पूजा के नाम पर जो है गाना लहंगा चोली पेटीकोट ब्लाउज गाना बजता है भाषा में, और यही कारण है कि इस बार जातिवादी गाना बजा और जिसकी वजह से दो पक्ष आपस में भिड़ गए। कहीं ना कहीं यही दुर्भाग्य है कि सरस्वती पूजा होता है और इसके बाद गाना बजाया जाता है, किसी का लोई टोया जाता है तो किसी के टोला में सुपरहिट माल लगता है, जिसकी वजह से ये तमाम चीजें होती है। और कहीं ना कहीं भसान के समय जब ये गाना बजाया जाता है तो दो पक्षों के बीच में विवाद भी हो जाता है और उसी का शिकार ये लोग हो गए। भसान उस दिन नहीं था, उसके बाद दो दिन का बाद भइल बाटे। दुआर पर आके बजावत रहलन सब तो लड़की रोकली सन दुआर पर से घर में से ही कल के जे हमनी का दुआर पर मत बजाव सब, बजावे के बाद होने रोड पर ले जाके बजाव सन अथी बाजार पर ना तो अपना घर में बजाव सब। इसका दोषी कौन है पता है? बजाव सन दुआर पर। इसका दोषी कौन है जो गाना बजता है? कौन है दोषी? गायकार गायकार है दोषी जो गाता है। हाँ। क्यों गाता है ऐसा गाना पता आपको? नहीं सर हमको अब क्या पता है क्यों ऐसा गाना गाता है क्यों नहीं गाता है। उनको ऐसा गाना गाना चाहिए और सर वो तो पैसा के चलते कुछ भी कर सकता है लो। अच्छा मतलब आप जो गायकार लोग थे ब्यास लोग थे वो लोग पहले अच्छा गाना गाते थे बढ़िया बढ़िया गाना गाते थे सैड सॉन्ग गाने तो लोग रोने लगते थे। हाँ। अब वो इस तरीके का गाना गाएंगे तो बताइए विवाद होगा नहीं होगा? होगा नहीं सर। उसको दहला सकी चमटोली से मार हो गई बया लोग लाठी भाला रोड लेके दौड़ के चल सर गाड़ी से वो लोग आए थे। हाँ गाड़ी से आके मारे लगल सर। जरा सोचिए इस गांव में कभी एक साथ एकजुटता के साथ लोग रहते थे लेकिन सिर्फ और सिर्फ गाना की वजह से विवाद हुआ। इनका कोई पहले जमीनी विवाद था आप लोगों का क्या? छह बार इससे पहले भी छुआ बार हटे घर में घिच घिच के मारे लो सब। अच्छा मतलब जो है पुश्तैनी विवाद था? छुआ बार हो गया इस बार जो है गाना बजा कर मार हो गया। सोपराहट रहे तब गाना आके दुआर पर बजा के अलग से मारे तो जानबूझ कर आ रहे थे या बजाने आए थे या कहीं ना कहीं यही गनिया बजा के आया के दुआर पर रुक गाना बजावे तो लड़की जी कल कहली से कहे जी बजाओ तर से दुआर पर गाना। हाँ। गंदा गंदा ले जाके उन्हें बाजार पर बजाओ सर नहीं जी ना बाजी कह से का करबू से तुनके औकात कतना बाटी हम यही जी बजाए तो कहली से दुआर पर ना बाजी हमनी का तले वो फोन कह दिल से चमटोली से मार हो गई बाबा सारा लोगों ने से दौड़ के 300 घर रहे पूरा जितना लोग रहे उतना लेके चल आई। सबसे पहले कार्रवाई उन लोगों पर होनी चाहिए जो इस तरीके का गाना गाते। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए नहीं चाहिए? होनी चाहिए। सच बात तो ये मुझे नहीं पता कौन से जाति से है और वो जो लड़ाई की है वो भी नहीं पता को किस जात से है। बस ये इंसान है और इंसान के रूप में इंसानों ने किन्ने आकर इंसान को मारा वो भी गाना बजाकर। तो गाना गाने वाले लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए और जिन लोगों ने क्षति इनको पहुंचाया उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। इसके बाद मैं ही बोल रही हूं। हाँ। जब ये मारपीट हुआ है डंडा मर्द चला रहे थे लाठी तो औरत को सकार नहीं है भागने लगे हैं। सब लड़कियां चौकी के नीचे छुप गई हैं घर में दरवाजा तोड़ के खींच के मारे हैं लड़कियां लोगों को। बिल्कुल ये महिला है और ये जब गाना सुनते हैं जो है आटा के लोई के टोई तो इनको बुरा लगता है। किसी के भी घर की बहन बेटियां इस तरीके का गाना सुनेंगे तो सच बात तो यही है कि जो है उनको बुरा लगेगा। चमन टोली के माल सुपरहिट लगेगा ये गाना कोई भी सुनेगा अगर वो बुद्धिजीवी होगा तो उसको बुरा लगेगा। फर्क नहीं पड़ता है किसी जात से हो किस धर्म से हो किस मजहब से हो फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो इंसान होगा तो उसको ये गाना जो है बुरा लगेगा चाहे वो यादव जी हो या फिर भूमिहार जी हो या पंडित जी हो या फिर जो है हरिजन समाज से ही क्यों ना हो सबको बुरा लगेगा। ये इन जैसे गानों पर प्रतिबंध लगना चाहिए मैं सच कह रहा हूँ और नहीं प्रतिबंध लगेगा तो पहले जैसे नेताओं ने भगवान भगवान अहिरान चमार सवार में बांटा वैसे इन लोगों को भी जो है कहीं ना कहीं अब सिंगरों ने बांटना शुरू कर दिया है। तो इन सब चीजों से बचा जाए और इसकी जांच होनी चाहिए आखिर ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार शुक्रिया शुभकामना मित्रों धन्यवाद जय हिंद।